ठीक है, तो ये धनु राशि हो गई, अब आते हैं मकर राशि पर। कैप्रिकॉन, मकर राशि के लिए भी ये साल कुछ मिला जुला सा जाने वाला है, अप एंड डाउन रहेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रैक पे तो नहीं रहेंगी, लेकिन ट्रैक से हिलेंगी भी, ओके नहीं भी रहेंगी लेकिन हिलेंगी भी। ठीक है। ठीक है, आपको फाइनेंशियल तो गेन रहेगा, अच्छा, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो स्टेबल नहीं रहने वाला है इस साल। तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन एंड ऑल करते रहिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप अपने आप को बहुत रिलैक्स म्यूजिक भी सुने, वो भी बहुत अच्छा रहेगा इस साल। क्योंकि आप जब काम रहोगे तो आप हर प्रोस्पेक्टिव से सोच पाओगे, आपको एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा लाइफ को लेकर। तो डेफिनेटली आपको इस साल कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को थोड़ा सा जैसे चल रही हैं चलने दीजिए, और आपका जो बिजनेस है उसे होने दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़े शेयर को तरफ नहीं जाना चाहिए अच्छा। कि आपको रिस्क लेना पड़े। ठीक है, तो रिस्क के लिए आप थोड़ा सा इस साल रुके तो बेटर रहेगा आपके। ठीक है।